सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एवं मोबाइल खरीदने के लिए संपर्क करें पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक अम्बेडकर चौराहा खंडवा। एसपी साहब आइसक्रीम खा रहे हैं। एसपी साहब भी सोसाइटी का हिस्सा हैं, पुलिस अधिकारी हैं। सर आप फैमिली के साथ आज खूब एंजॉय कर रहे हैं, पुलिस लाइन में एक इवेंट चल रहा है, बहुत कम मौका मिलता है, दिन भर क्राइम क्राइम क्राइम, उसके बीच में इस ये इवेंट क्या है और किस तरीके से आप इसे फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं? जैसा कि आपने कल देखा, हम लोग की होली थी, पुलिस की होली, और एक और चीज़ साथ में थी इंटरनेशनल वुमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और ये दोनों चीज़ों को क्लब करके एक पारिवारिक गेट टुगेदर का एक माहौल बनाने के लिए यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसमें पुलिस परिवार ही अपने स्टॉल्स रख रहा है, चाहे वो खाने के हों, क्राफ्ट के हों, और सभी पुलिस परिवार इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, चाहे वो खाने के लिए एज अ कस्टमर आ रहा है या एज अ वो आ रहा है स्टॉल्स में आ रहा है, और सभी लोग बहुत इन्जॉय करें और एक अच्छा माहौल यहाँ पर मिला है, और मेरे ख्याल आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा, आप लोग भी ट्राई करें। थैंक यू। आपको बता दें इस क्राफ्ट की जो शॉप है उसकी ओनर हमारी खंडवा एडिशनल एसपी सीमा अलावा मैम है। आपको फील्ड पे दौड़ते हुए लठ लेकर हाथ में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए क्राइम के केस में आपने मैडम को देखा होगा, लेकिन आज आपको मैडम का एक और टैलेंट बताते हैं। मैडम बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बताती हैं और इनकी पेंटिंग्स जो हैं वो बड़ी बड़ी एग्जीबिशन में लगती हैं और काफ़ी अच्छी कीमतों पर सेल भी होती हैं, ऐसा मेरे को किसी ने बताया था। मैडम जी मैम आप थोड़ा प्लीज किस तरह की आपने पेंटिंग बना रखी है? ये एक्रेलिक का पेंट है, एक्रेलिक पेंट से मैं करती हूँ। कुछ छोटी छोटी पेंटिंग तो दिख चुकी है, क्योंकि दो पेंटिंग्स काफी हेवी एग्जीबिशन के पर्पस से बनाई थी, तो जो अभी है ना डिस्प्ले में है आप देख सकते हैं। एक गणेश जी की है, एक श्री कृष्ण जी की। चलिए ऑल द बेस्ट। और ये सब बैग वगैरह मैम इसमें थोड़ा सा क्राफ्ट का काम करके थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है इसको, और ये कुछ साड़ियाँ पेंट की। मैम इतने बिजी शेड्यूल में से, पुलिस का इतना बिजी शेड्यूल रहता है, ये रात को सोना कम कर देते हैं, आप टाइम कैसे निकालते हैं? थोड़ा सा मेडिटेशन जैसा काम हो जाता है, इसलिए वैसे शौक से। ओके चलिए। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरे पुलिस परिवार के लोग एक जगह इकट्ठे होकर कहां पर ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो आपको बता दें खंडवा पुलिस लाइन में महिला दिवस के मौके पर यह कार्यक्रम खंडवा एसपी विवेक सिंह ने रखा था। इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि पुलिस परिवार के लोग ही इसमें सेलर हैं और पुलिस परिवार के लोग ही इन प्रोडक्ट को खरीदने वाले हैं। खंडवा एसपी विवेक सिंह अपनी पूरी फैमिली के साथ मौजूद थे। खंडवा एडिशनल एसपी सीमा लावा, सीएसपी पूनम चंद्र यादव अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करते नजर आए। खंडवा एसपी विवेक सिंह ने भी क्राफ्ट से संबंधित कई चीज़ें खरीद कर पुलिस परिवार का मनोबल बढ़ाया। आपको बता दें इस पूरे इवेंट में सभी थाना प्रभारी, सीएसपी, एसपी साहब, एडिशनल एसपी और पुलिस परिवार के लोग खूब एंजॉय करते हुए नजर आए। आपने सुना कि एडिशनल एसपी सीमा लावा का हमने आपको एक टैलेंट दिखाया, जो अक्सर वह करती हैं, वो आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं। उनका ये कहना है कि जब भी उन्हें समय मिलता है मेडिटेशन के तौर पर उसे वह करती हैं। आपको बता दें खंडवा एसपी विवेक सिंह ने कई आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप पर कई चीज़ें खरीदी हैं। उनकी बिटिया है, वो अपने पापा यानी खंडवा एसपी विवेक सिंह को कुछ दिखाने आई थी। कुल मिलाकर इस पूरे इवेंट का खंडवा पुलिस परिवार के लोगों ने खूब एंजॉय किया। सर बढ़िया स्टॉल है क्या? बहुत बढ़िया। सर कितने की आइसक्रीम सर आपका स्टॉल दे रहा है? ये कौन है जो आपके साथ में खड़े हैं? ये मेरी वाइफ है कविता हिरवे, और ₹30 है। 30 रुपए की एक आइसक्रीम आप दे रहे हैं पुलिस फैमिली, श्रीखंड दे रहे हैं, तो कभी इन्होंने आपको भी खिलाया घर पे? खिलाया है पक्का? पक्का। अच्छा आप इसका एंजॉय करते रहते हैं, आज पुलिस पुलिस परिवार को आप इसका वो करा रहे हैं। ठीक है, आपका परिचय? ब्रजभूषण हिरवे, टीआई मुंदी। तो ये थे ब्रजभूषण हिरवे, टीआई मुंदी। पेंटिंग भी, अरे क्या बात, लता मंगेशकर की पेंटिंग। ये किसने बनाई है पेंटिंग? अच्छा आप, क्या बात, अरे वाह। ये भी जो है ब्रजभूषण हिरवे थाना प्रभारी मुंदी, उनकी वाइफ ने बनाई है, लता मंगेशकर जी की पेंटिंग है। और ये किनकी है ये पेंटिंग? किसकी मैम ये वाली सेकंड? शिवाजी महाराज की। ओके ओके। और ये लास्ट वाली, और ये फिश है। चलिए थैंक यू। तो ये है पुलिस फैमिली जो आज एंजॉय कर रही है। ये है मोगट थाना प्रभारी ईश्वर चौहान, अक्सर आपने इनको देखा होगा जाड़ भीजते हुए गुस्से में
बदमाश इनके नाम से खूब कांपते हैं, लेकिन आज फैमिली के साथ ही एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है सर, आप अकेले बड़े दूर खड़े हुए, भाभी ने आपको कहीं ऐसा तो नहीं आदेश दे दिया हो? क्योंकि घर में हाई कमान का आदेश चलता है, बाहर भले ही आपका चलता हो, तो आप बड़ी दूर खड़े हुए हैं बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं आप। क्या अभी तक आपने क्या शॉपिंग करी, क्या खाया? जितने भी स्थान लगे थे वहाँ से सब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाया है और बहुत अच्छी शुरुआत है। क्या कह रहे जी, भाभी कहाँ है, भाभी जी कहाँ है? भाभी जी आइए, भाभी जी ये हैं भाभी जी। और भाभी आपने इनको डांटा तो नहीं? क्योंकि अक्सर कोई भी व्यक्ति किसी प्रोफाइल पे हो, अक्सर घर में अपनी वाइफ की कमांड से वो चलता है, ऐसा देखा गया है। तो आपको कैसा लग रहा है महिला दिवस पे इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पुलिस लाइन में एसपी साहब ने कराया है, कैसा महसूस कर रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और स्पेशली फीमेल्स के लिए है तो और ज्यादा अच्छा है। इससे हम पुलिस कर्मियों की वाइफ जो है आगे आती है और थोड़ा सा हम लोग का जो डेली रूटीन से हटके एक एंजॉयमेंट हो जाता है। अमला आप खूब एंजॉय कर रहे हैं, चलिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस, थैंक यू। सर आज आप फैमिली के साथ इस इवेंट में एंजॉय कर रहे हैं, आप वैसे फिजिकली बहुत फिट रहते हैं और काफी एक्सरसाइज करते हैं, खासकर जो लोग सेना में जाते हैं पुलिस में जाते हैं उनको आपने हमेशा मोटिवेट किया है, तो इस तरह का खाना जो है आज आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, क्या एक फौज में जाने वाला या वो जो पुलिस में भर्ती होना चाहता है कभी कभी ये खाना खा सकता है? बिल्कुल खा सकता है, जैसे मैं आपको बताऊँ की क्रिस्पी कॉर्न है, निश्चित रूप से ये बहुत ही हेल्दी है सभी लोगों के लिए। यहाँ पर इडली सांभर बना हुआ है वो भी बहुत बढ़िया है और श्रीखंड बनाया आपने हमारे पुलिस परिवार की माताओं ने बहनों ने अपने हाथों से, और हमने मैक्सिमम आइटम ऐसे ही रखे हैं जो मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए बेनिफिशियल हों। महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमने इस तरह का आयोजन किया है, ये जो फूड के स्टॉल्स लगाए हैं कहीं ना कहीं हमारी घर की जो महिलाएं हैं उनको हमने प्रोत्साहन देने के लिए कि कल को वो ये ना सोचे कि हम कुछ नहीं कर सकती हैं, वो उनके हाथों से प्रोडक्ट बना रही हैं, आइटम बना रही हैं और यहाँ पर लाकर उन्होंने सेल किया है और काफ़ी बिजनेस किया है उन्होंने यहाँ पर, तो उनकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना, ये अपने आप में इस आज के फेयर का एक बहुत बड़ा एक सिंबल है। आप किस पद में हैं पुलिस विभाग? मैं रक्षित निरीक्षक हूँ यहाँ आरआई खंडवा पुलिस लाइन में। यहाँ कुछ ऐसे पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं क्योंकि इनकी फैमिलीज बाहर हैं। ये श्री पाटीदार हैं, वर्तमान में पद्मनगर थाना प्रभारी हैं। आपको इनके बारे में बता देते हैं, इनकी फैमिली विदेश में रहती है, अब्रॉड में रहती है, और आइए इनसे जानते हैं कि इनकी फैमिली अब्रॉड में रहती है, ये यहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं अकेले? सर ये पुलिस परिवार की महिलाओं का बच्चों का कार्यक्रम है, सब बहुत अच्छा है, ये सब मेरे बच्चे हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं और सब मेरे भाई हैं, मुझे इनका उत्साह उमंग देख के बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा है, ऐसा होते रहना चाहिए, इससे प्रोत्साहन मिलता है बच्चों को, महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, बहुत खुशी की बात है सर। चलिए ये हैं जिनके परिवार दूर रहते हैं और दूर बिना परिवार के लोग आपकी सेवा करते हैं, इनका कहना है कि भले इनकी फैमिली अब्रॉड में है लेकिन खंडवा पुलिस परिवार इनकी पूरी फैमिली है और इस समय उनको एंजॉय करता देख इनको बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह यार, अरे वाह, क्या बात, क्या बात, वाह यार। सर अंडर एस्टिमेट कर गए इस टीम को, आपको ऐसा क्यों लगा कि ये हार जाएंगे? अरे भाई कहते हैं कि मोटा देख के डरना नहीं और पतला देख के लड़ना नहीं, वो कहानी आज सिद्ध कर दी। हमारी सीनियर टीम पुलिस वालियों से पुलिस वालों की घरवालियां सुन रही है, आज भैया पुलिस वालों की घरवालियां और पुलिस वालियों का कॉम्पिटिशन, तो अभी देखना है कि कौन इसमें कैसे, अरे ये घर की खिलाड़ी बन गया है, और ये तीर, अरे खींचो, अरे खींचो, खींचो ठीक है।
पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं मोबाइल पर अधिकतम डिस्काउंट के साथ साथ सबसे कम प्राइस पर प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। इसके अलावा संस्था पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप यहां एक बार जरूर विजिट करें, अंबेडकर चौराहा खंडवा।